बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एसएजी एमएमए का हेड कोच सैयद अत्तार हुसैन। मैं आप लोगों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि अभी कुछ दिन पहले यूएफसी 249 का इवेंट हुआ, काफ़ी बेहतरीन इवेंट था, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोट नहीं की कि उस इवेंट के बाद या उस इवेंट से पहले नहीं पाकिस्तान में, नहीं पूरे एशिया में एमएमए का कोई इवेंट नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस एक ग्रुप वाले जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एमएमए की एक लीग करवाना चाह रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ग्रुप सिर्फ एमएमए में इंटरेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स को, काफ़ी सारे गेमों को प्रमोट कर रहा है, जिसमें नेजाबाजी हो गई, जिसमें बास्केटबॉल हो गई, जिसमें फुटबॉल हो गई, टेबल टेनिस हो गया, स्नोकर हो गई। दोस्तों, काफ़ी सारे गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह वो चाहते हैं एमएमए के प्लेयर्स भी और एमएमए के फाइटर्स भी, जो कि पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों से या तरक्की याफ्ता इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी आगे आए। जिन लोगों को मौका नहीं मिल रहा किसी वजह से, या वो किसी को जानते नहीं, या उनके पास कोई सिफारिश नहीं, या बाज़ अवकात हमारे यहाँ ऐसे इवेंट होते हैं कि इवेंट करवाने वाला ये चाहता है कि मैंने सिर्फ 10 फाइट ही करवानी है, या मैंने सिर्फ 5 फाइट ही करवाए। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप सबको मौका मिले। तो अब आप सबको मौका कैसे मिलेगा? अब दोस्तों, एक और बात, हम एक लीग करवा रहे हैं एमएमए की, एसएजी एमएमए के नाम से, बल्कि एसएजी एमएमए एक लीग हम शुरू कर रहे हैं। उस लीग में आप लोग एंट्री कैसे करोगे, आप लोग आएंगे कैसे हमारे पास, उस चीज़ के बारे में हम आपको मालूमात दे रहे हैं। मालूमात आप लोगों ने एंट्री कहाँ करनी है, दोस्तों ये हमारा वेबसाइट लिखा हुआ है SAGMMA.com। यहाँ पे आप लोग सर्च कर लें, यहाँ पे आप लोग अपना इंट्रोडक्शन मुकम्मल दें। आप लोग अच्छा, एंट्री किन प्लेयर्स की होगी, एंट्री इन उन प्लेयर्स की होगी जो यहाँ आने से पहले इंटरनेशनल फाइटर रहा हो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, नेशनल फाइटर तो रहा हो, अगर नेशनल फाइटर भी नहीं रहा है फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन सूबाई फाइटर जरूर रहा हो, इससे कम के फाइटर हम नहीं लेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि एमएमए डेंजरस गेम है, ये सब मार्शल आर्ट्स को जमा करके एक गेम बनाई गई है, इसलिए हम सूबाई लेवल से कम के प्लेयर, जिसका सूबाई लेवल के आगे तहसील लेवल का रिकॉर्ड हम नहीं मानेंगे। दोस्तों, आप लोगों को सूबाई लेवल पे आना होगा या नेशनल लेवल पे, तब हम आपको फाइट देंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने एंट्री कैसे देनी है? आप हमारे वेबसाइट पे आए, अब हम अपना मुकम्मल एड्रेस दे, अपना रिकॉर्ड दे, अपना एज, अपना वेट, अपना कोच, अगर आपके पास कोच नहीं है पर्सनल, आप किसी दोस्तों भी ऐसे कोच ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके पास साथ आप लोगों ने एक और काम भी करना है जो कि इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, वो काम क्या है? वो काम ये है कि आप लोगों ने यहां आने से पहले कोरोना के टेस्ट करवाने हैं जो कि मनफी आए हो, नेगेटिव आए हो, यानी कि वो टेस्ट आपका यह सबूत हो कि आपको कोरोना नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि कितने हालात हैं, कितने सख्ती है, कितनी परेशानी है, तो इस परेशानी के मौसम में आप लोगों को कोरोना के दो टेस्ट करवाने होंगे, और वो दो टेस्ट 7 दिन और 14 दिन के वक्फे से करवाने होंगे। ये इसके बगैर हम फाइटर को भी, मतलब सॉरी, हम मुआवजत करेंगे कि फाइटर को भी मौका नहीं मिलेगा और कोच को भी मौका नहीं मिलेगा। ये फाइट जो हम करवा रहे हैं, ये लीग जो हम करवा रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं, ये लीग सोशल डिस्टेंस बरकरार रखते हुए हम करवाएंगे। यहां आते हुए आप लोग एहतियातन ग्लव्स अपने रहेंगे, ग्रोइंग गार्ड अपने रहेंगे, जिसको टेस्टिकल गार्ड भी कहते हैं, सिर्फ गार्ड भी कहते हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम से लोग जानते हैं, माउथ गम, गम शीट भी कहते हैं, वो भी अपना इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ग्लव्स अपने हो गए, ग्रोइंग गार्ड्स, रैप्स, हैंड रैप्स,
अपने क्यों, ये नहीं कि हमारे पास ये सामान नहीं, हमारे पास है, लेकिन कोरोना की वजह से ये चीजें हर बंदे को अपने इस्तेमाल करनी होगी। इसलिए आप लोगों ने अपना अपना ग्लव्स, आप लोग फाइटर है, किसी के पास होगा, ये नहीं कि किसी के पास नहीं होगा दोस्तों, आप लोग अपना खरीद सकते हैं दोस्तों। आप लोग यहां आए होगे, आप लोग सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हो, यानी कि सबसे पहले हम हमारी हिफाजत और आपकी अपनी हिफाजत, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये इंतहाई जरूरी है। इसके साथ आप लोगों, यानी कि जब आप हमारे पास आओगे, एंट्री करवाओगे, आपको किसी की सिफारिश, कोई किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रब्ता करें, आप वेबसाइट पे आए रब्ता करें, हम खुद आपसे रब्ता करेंगे, उसके बाद हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी कि आपको कब आना है, हम आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे इवेंट्स के बारे में, प्राइसेस के बारे में, अब आपको आगे यहाँ से आगे समझाएंगे, जो कि हमारे इंटरनेशनल कोच हैं सर अमीरुल्लाह साहब अफरीदी, वो आपको लीग सिस्टम के बारे में बताएंगे, वो आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे, क्वालिफिकेशन है, राउंड्स क्या है, और यानी कि मुकम्मल तफसील वो आपको हमारे अमीरुल्लाह साहब बताएंगे। अमीरुल्लाह साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अमीरुल्लाह अफरीदी है, एमएमए एसएजी इंटरनेशनल कोच हूँ। इंशाल्लाह क्वालिफाई राउंड सुबह के दरमियान होगा यहाँ पे, और जो जैसा एलिमिनेशन की तरफ आएगा जीतेगा। हर डिवीजन का आपस में ग्रुप में वेट कैटेगरी में मुकाबले होंगे, वन एफ सी और यू एफ सी अपना वेट बनाएंगे, हम अपना डिवीजन वेट बनाएंगे। और दूसरा बात यह है कि कोई खिलाड़ी जब फाइट के लिए आते हैं तो कभी वेट कम कर देता है, कभी ज़्यादा कर देता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरत मुतफ़फ़ीन में कहा है वाज़ह कि ना तोल में कमी ना करो, और इसी तरह हम दो वेट लेंगे, एक वॉकिंग में और दूसरा जो है वो किट से अंदर जाने से पहले लेंगे, इसलिए कि उसका असल वेट ज़ाहिर हो जाए, और जिस खिलाड़ी का भी वेट में फ़र्क होगा वो उसी वक्त में डिस्क्वालीफाई होगा, और इस तरह एलिमिनेशन में ना आएगा। ये सुर्ख लकीरें जो है आपस में फाइटें करेंगे, फिर ब्लू की तरफ, यहाँ तक कि ये टाइटल की तरफ आएंगे लीग। और इंशाल्लाह हम एसएजी का बहुत मशहूर है और खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स का ये रूह रवा है पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह हम ये इवेंट कामयाबी से करेंगे। वसलाम। अस्सलामुअलैकुम एक बार फिर। अच्छा, यहाँ कुछ बातें मैं मज़ीद कहना चाहूँगा कि जब आप हमारी वेबसाइट पे आते हैं और आप एंट्री लेते हैं तो एक मुकर्रर वक़्त होता है, मुकर्रर वक़्त के बाद मुआज़रत के साथ हम कोई एंट्री कबूल फिर नहीं कर सकेंगे, फिर आपको हमारे अगले इवेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके हमें बताना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा हमें। तब तक अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।